ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਹਰ ਜੇਠ ਜੋੜਨ ਦਾ ਲੋੜੀਐ ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨਿਵਾਨ ਹਰ ਜੇਠ ਜੋੜਨ ਦਾ ਲੋੜੀਐ ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨਿਵਾਨ ਹਰ ਜੇਠ ਜੁੜਨ ਦਾ ਲੋੜੀਐ ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨਿਵਾਨ ਹਰ ਜੇਠ ਜੁੜਨ ਦਾ ਲੋੜੀਐ ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨਿਵਾਨ ਹਰ ਜੇਠ ਜੁੜਨ ਦਾ ਲੋੜੀਐ ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨਿਵਾਨ ਹਰ ਜੇਠ ਜੁੜਨ ਦਾ ਲੋੜੀਐ ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨਿਵਾਨ ਹਰ ਸੱਜਣ ਦਾਵਣ ਲੱਗਿਆ ਹਰ ਸੱਜਣ ਦਾਵਣ ਲੱਗਿਆ ਹਰ ਸੱਜਣ ਦਾਵਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇ ਬਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਹਰ ਜੇਠ ਜੁੜਨ ਦਾ ਲੋੜੀਐ ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨਿਵਾਨ ਹਰ ਜੇਠ ਜੁੜਨ ਸਭ ਨਿਵਾਨ ਹਰ ਸੱਜਣ ਦਾਵਣ ਲੱਗਿਆ
सज्जन गावन लगया। किसे ना दे बन किसे ना दे बन हार जेठ जुड़न दा लोड़िया जिस अगे सब निमन हर जेठ जुड़न दालोड़िया जिस अगे सब निमन मानक मोती नाम प्रभ मानक मोती नाम प्रभ उन लगे नाही सन उन लगे नाही सन मानक मोती नाम प्रभ नानक मोती नाम प्रभ नाम प्रभ नाम प्रभ मानक मोती नाम प्रभ नाम मानक मोती नाम प्रभ मानक मोती मानक मोती नाम प्रभ मानक मोती प्रभ नाम प्रभ मानक मोती नाम प्रभ मानक मोती नाम प्रभ उन लगे नाही सन उन लगे नाही सन हार जेठ जुड़न दा लोड़िया जिस अगे सब निमन हार जेठ जुड़न दा लोड़िया
अगै सब निवान। रंग सब नारायण रंग सब नारायण रंग सबे नारायण जेत मन भवन जेत मन भवन मन भवन हर जेठ जुड़ल लोड़िए इसे अगर सब निवान हर जेठ जुड़ल
रहे है तन से ही कही है तन जो प्रभ कीते अपने जो प्रभ कीते अपने से ही कही है तन से ही कही है तन हर जेठ जुड़न दा दोड़िए जिस अगे सब निवन हर जेठ जुड़न दा दोड़िए जिस अगे सब निवन हर जेठ जुड़न दा लोड़िए जिस अगे सब निवन हर जेठ जुड़न दा सब निवन अपन लिया जे मिले अपन लिया जे मिले बिछड़ क्यों रोवन बिछड़ क्यों साधु संग प्राप्ते साधु संग साधु संग परापते 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 साधु संग साधु संग परा संग परापते परापते साधु संग परापते परापते
साधु संग पराप दे नानक रंग मानन नानक रंग मानन नानक रंग मानन हर जेठ जुड़न दा लोड़ी है जिस अग्गे सब निमन हर जेठ सब निमन हर जेठ जिस अगे सब निमन हर जेठ जुड़न जेठ रंगीला तिस तणी हर जेठ रंगीला तिस तणी हर जेठ रंगीला हर जेठ रंगीला रंगीला तिस थनी तिस तनी जिसके पाग मथन जिसके पाग मथन हर जेठ रंगीला तिस तनी हर जेठ रंगीला तिस तनी हर जेठ रंगीला तिस तनी जिसके पाग मथन जिसके पाग मथन जिसके पाग मथन जिसके पाग मथन हर जेठ जुड़न दा लोड़िया जिस अग्गे सब निमन हर जेठ जुड़न दा लोड़िया जिस अग्गे सब निमन हर जेठ जुड़न दा लोड़िया जिस अग्गे सब
जेठ जुड़ा जुड़ा लोड़िए सब निमन वाहिगुरु जी। सारी संगत गज के आखो श्री वाह श्री वाहिगुरु। हाजरा हजूर प्रतख गुरु समर्थ गुरु मेहरबान गुरु दयावान गुरु लोक परलोक विच सहायता करने वाले गुरु सदा ही बख्शन वाले गुरु अमृत दे भरपूर खजाने वड्डी महिमा दे मालक ते सारियां वड्याइयां दे मालक सच्चे पातशाह सारे कहो जी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब। 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 धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। संगत जी कल का दिन जिहड़ा बतीत होया है धन धन पंजवें पातशाह सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव साहब महाराज साहब जी का शहीदी दिहाड़ा सिख जगत न इस संसार विच जुगो जुग कायम रखण वास्ते गुरबाणी दा प्रताप सदा ही अटल रहे नाम दा प्रताप जुगो जुग रहे धर्म दा प्रताप जुगो जुग रहे सच्चे पातशाह महाराज जी ने गरीब नवाज पातशाह जी ने अपने शरीर दी ते दुखां दी भोरा परवाह नहीं कीती जी सर्व शक्तिमान हुंदे होए बड़ा कुछ अपने उते सह के शहीद हो गए ते तुहानू ते सानू दुनिया दे लोकां नू सदा वास्ते ओ दातां दित्तियां जिहड़ियां जीउंदियां ही मुक्त करन वालियां ने। इसलिए बड़े प्यार नाल आखो धन धन श्री गुरु अर्जन देव साहब। धन धन श्री गुरु अर्जन देव साहब। धन धन श्री गुरु अर्जन देव साहब। महाराज साहब जी का शहीदी दिहाड़ा कल जगत विच दुनिया विच संसार विच मनाया अज सतगुरु जी ने कृपा की आपां नूं गुरु जी ने मौका बख्शिया सतगुरु जी की प्यारी याद मिठी याद शहीदी की याद गुरबाणी शब्दां राही रागी जथियां कोलों तुसां सरवण कीती ये मुख वाक शब्द जिहड़ा आपां पढ़िया जिसनों आपां संगरांद वाले दिन कहिंदे ना अज महीना सुनिया जां महीना सुणन जाणा है ये गुरु पंचम पातशाह महाराज जी दी उचारण कीती होई बाणी है इहदा नाम है बारह माह। बारह माह बारह महीने सच्चे पातशाह महाराज जी ने कृपा करके समत दिती है भी सिख ने बंदे ने किस तरह शांति दे नाल किस तरह वाहिगुरू दे नाम नाल किस तरह सेवा दे नाल किस तरह संगत दे नाल जुड़ के मिल के अपने जीवन नू सफला करना है। बड़ी कृपा कीती बख्शिश कीती बड़ा समझाया महाराज ने आपां बार बार पढ़ रहे सी ना हुणे हर जेठ जुड़न दा लोड़ ही आए जिस अगे सब निवान। जेठ दा महीना ते जेठ दा अर्थ हुंदा वड्डा। वड्डा कौन है जी? वड्डा अकाल पुरख है जी। वड्डा आप वड्डी वड्याई। मारे गुरु नानक साहब कहिंदे आ सतगुर वड्डा कर सलाहिए जिस विच वड्डियां वड्याइयां। वड्डा साहिब ऊंचा थाओ। वड्डा साहिब ऊंचा थाओ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ। सतगुरु गुरु अर्जन देव साहिब महाराज सच्चे पातशाह बख्शिश कर रहे ने समत दे रहे ने आप जी फरमाउंदे हन कि भाई तुहानूं सारिआं नूं ओ जो सारियां तो बड़ा अकाल पुरख परमेश्वर है
ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜੋ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜੇਠ ਜੁੜਨ ਦਾ ਲੋੜ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਖਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭੱਜ ਦੌੜ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਬੇਆਰਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਵੀ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਜੇਠ ਜੁੜਨ ਦਾ ਲੋੜ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਰੱਖੋ ਭਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਬੜੇ ਦਇਆਵਾਨ ਨੇ ਜੀ, ਬੜੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ, ਬੜੇ ਬਖਸ਼ੰਦ ਨੇ, ਬੜੇ ਦਿਆਲੂ ਨੇ, ਬੜੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਨੇ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਜਪੇਗਾ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਜਪੇਗਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੰਗਤੀ ਆਉਂਦੀ, ਜੈਸੋ ਸੇਵੇ ਤੈਸੋ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਤੇ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ, ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੜਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬੁੱਢੇ ਬੁੱਢੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੰਤ ਸਾਧੂ, ਦੁਨੀਆਂ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸੰਤ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਗਏ ਸਾਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ। ਬੁੱਢੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਖੁੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਖੁੰਡੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੁਰਨ, ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ, ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਲੈਣ ਲੱਗੀ, ਵਾਰੀ ਨਾ ਵੱਜੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਰਾਧਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁੱਖ ਡਰਾਵਣੇ ਜਿੰਨਾ ਵਿਸਾਰਿਓਨ ਨਾਉ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਡਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਰੀਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁੱਖ ਡਰਾਵਣੇ ਜਿੰਨਾ ਵਿਸਾਰਿਓਨ ਨਾਉ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਕੰਢੇਰਿਆ ਅੱਗੇ ਠੌਰ ਨਾ ਠਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਡਰਾਉਣੇ ਡਰਾਉਣੇ ਮੂੰਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੱਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਕੜੇ ਦੁੱਧ ਵਰਗੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਇੱਕ ਕਾਂਜੀ ਦੀ ਛਿੱਟ ਪੈ ਗਈ
ते भावें भी मन ते भावें सौ मन दुद्ध होवे फट जाएगा सारे दा सारा जी। जे किते रब नालों टुटे हुए मनुख दी बंदा गल सुन लवे ना जी, भावें बड़े चिरां दी संगत करदा है, उहदी बिरती खराब हो जांदी है जी। उहदी अंदर दे ख्यालात जिहड़े बड़े प्यार वाले बने हुंदे, शरदा वाले बने हुंदे ना जी, ये पक्की गल है, क्यों मेरा 58 साल का तजर्बा है, वह फर्क पै जाता जी। उहदे विच फिर संभलदियां संभलदियां बड़ा चिर लग जाता जी, जे गुरु की मेहर हो जुड़िया रहे ना जी। इसलिए गुरबाणी विच लिखिया बाबा आनंदपुर वाला सीधा होकर बैठे जी, सीधा होकर बै आखो सारे गज के श्री वाहिगुरु। भगत कबीर जी कहिंदे आ भी जे कोई साकत बंदा तुरिया आउंदा होवे ना जी, ते जिधरों वो तुरिया आउंदा ना इस तरह करके आ रहा, ते तुसी उहदे अगे ला के भजना शुरू कर दिओ, कहिंदे वो ते तुर रहा ते तुसी भजो, उहदा कारण है भी उहदा ते तुहाडा फासला बड़ा ज़्यादा बन जाए जी। कबीर साकत संग ने की जाई दूर रह जाइए भाग भज जो, कहिंदे आपां ते सलाही पै जाने ना जी, गल्लां करन लग पैने आ। हाँ जी, वह कहिंदे नहीं जिथे कि तुहानूं दिसे ना भी हुण डिया भज जाओ जी, भज जाओ। कबीर साकत संग ना की जाई दूर रह जाइए भाग, कहिंदे जी असीं उहदे नाल गल नहीं करांगे, कोई उहदी गल नहीं कोई सुणांगे, सानू की होण लगा जदों असीं उहदी गल सुननी नहीं, जे सुन ली तां असीं असर ही नहीं करना। आपां इही करदे ना संसार विच कई वार, असीं ना चाहुंदे होए वी आहो पईआ करदे हां जी। जिन्हों आप कहने जी मैं तो मूँह रखण वास्ते गल की सी, मेरा इरादा तो कोई नहीं सी हैगा, मैं तो मूँह रखण वास्ते दो मिनट वो ना आहो पईआ करता रहा। भगत कबीर जी कहिंदे आ भी कालख नाल लिबड़िया होया भांडा जिहड़ा ना जी, वो लाग दी तुसीं लंघो तुहानूं पता ही नहीं लगना कदों तुहाडे कपड़े नाल कालख लग जाणी है। हाँ जी, बासन कारो परसी है तो कछ लाग है दाग। श्री गुरु अर्जन देव साहब जी कहिंदे भाई रब दा नाम लैणा ये तुहाडी लोड़ है, क्यों जिन्ना चिर बंदा उहदे अगे नीवा नहीं होएगा उन्ना चिर उहदा छुटकारा नहीं आउणा जी। ते याद रखियो निम्रता रब दे नाम नाल आउणी जी, उंज नहीं जी आउणी जी। परमेश्वर दे नाम ने बंदे दे मन नूं नरम करना जी, शांति देनी है जी, उहनूं भटकण तों हटाउणा जी, उहदे विच रस पैदा करना जी। ज्यों ज्यों रब दे नाम दा असर हुंदा जाणा त्यों त्यों अंदर निम्रता दा टिकाओ बनना शुरू हो जाणा जी। हाँ जी, तुसीं इक वार मत्था टेकिया महाराज दे अगे, जिन्ने जिने आए जे एक एक बार टेकिया ना जी, एक एक बार मत्था टेकिया। मेरा ख्याल जे तुहाडे विचों किसी दे मन च ज़्यादा प्रेम होवे, वह 2, 4, 5, 7, 10 वर उठ के आवे मत्था टेके ते आपां उहदा मूँह वेखण लग पैणा जी, ये बंदा ठीक आ, ये किते हिलिया तो नहीं गा, ये 2 मिंट बाद उठदा ते फिर मत्था, 2 मिंट बाद उठदा। मतलब मैं कि दुनिया की सोच तुहानूं दसदा, लोकां दी सोच जिहड़ी है, पर सानूं हुक्म पता की है, साडे गुरु का सानू हुक्म है नमस्कार तांको लख वार। आखो सारे गज के श्री वाहिगुरु जी। सिमरन कितना करना जी, कितना याद करना अपने मालक नू रब नू, नमस्कार तांको लख वार। लख वार तो मेरा हाव जदों दे आपां जम्मे अज तक लख वार नमस्कार, हुण तक सारी गिणती करिए तो नहीं कीती होनी जी जदों दे जम्मे आ जी। ये नमस्कार रोज करनी है जी, ये तां ही करोगे जे तुहाडे अंदर रब दे नाम दी ताकत होवेगी, ये अंदर दी खेड है। हुण तुसीं इत्थे बैठे अंदरों मत्थे टेकी चलो, जां तुहानूं पता जां तुहाडे मालक नूं पता भी मत्था टेक रिहा जी, किसे नूं नहीं पता लगना जी। हाँ जी,
अंदर दी खेड है जी, अंदर दा प्यार है जी। सच्चे पातशाह कहिंदे आ तुहानू जुड़ना चाहीदा है, ते फिर किदे नाल जुड़ना जी, जिस अगै सब निवान। आपो अपना ढंग तरीका है, रब दे अगे नीवे होण तों बिना बंदे दे कोल कोई चारा नहीं है। जिहड़ा कहिंदा मैं रब नूं नहीं मनदा जी, हाँ जी रब नूं नहीं मनदा, झूठ बोलदा जी, पानी किहदा पींदा जी, उह जे उह रब नूं नहीं मनदा फिर रब दा बनाया पानी क्यों पींदा जी, उह जे उह रब नूं नहीं मनदा फिर रब दीआं दित्तीआं रोटियां क्यों खांदा। चीज़ां तां सारियां रब ने पैदा कीतीआं, बंदे दा छुटकारा ही नहीं हैगा जिन्ना चिर उहदे अगे नीवां ना होवे जी, राह ही नहीं होर कोई हैगा जी। जे उह रब नूं नहीं मनदा तां रब दे दित्ते साह जिहड़े उह कितना लैण दिआ जी, रब नूं नहीं मनदा। ये दातां तां सब उसे दीआं ही ने जी, झूठ बोलदा उह आदत है, बकवास करदा जिहड़ा आंदा मैं रब नूं नहीं मनदा। रब नूं मनण तों बिना तो होर राह ही कोई नहीं हैगा जी, उहदे अगे नीवें होण तों बिना होर कोई रस्ता ही नहीं हैगा जी। हाँ जी, किसे ढंग नाल वी नीवा आवे उहनूं होणा ही पैणा जी, सारे पासे उसे दा ही प्रताप हैगा जी। गुरु जी कहिंदे तुहानूं लोड़ है। हुण वेखो कोई बुढ़ा कोई बच्चा कोई जवान, हर एक दी इच्छा मैं सोहणा लगा जी, सोहणा लगा। तो सच्चे पातशाह कहिंदे आ वेख लो सारा जोर आपां लाउने आ, हाँ जी, पर कदे तुहानूं किसे ने आख्या वी तूं बड़ा सोहणा है, दसो मैनूं कोई जणा, क्यों भाजी गुरबचन सिंह जी किसे ने आख्या? मेरा किसे ने की आखना, घर दे वी नहीं आंदे, वह भी जिदन लड़ पेंदे होर ही को जाते होने जी। कदे नहीं किसे ने आख्या तूं बड़ा सोहणा जी, जिन्ना मर्जी लीड़े पाले तेल शेल ला ले जो मर्जी कर ले, पर गुरु अमरदास साहब मारे कहिंदे वाहो वाहो करहे से ही जान सोने। मारे कहिंदे फिर किन्ने क सोने आ, तिन को परजा पूजण आई, दुनिया पूजण आउंदी उहनां नूं, संसार उहनां नूं पूजण आउंदा जी। घर 100 रुपया अपना जमया होया बच्चा जिहड़ा जी, अपना पुत्र धी 100 रुपया मंगे तो आपां उहनूं पुछदे वी की करना, तो तकरीबन सुभाअ पुछदे आपां जरूर की करना है, कद लई मंगे आ, किथे वरतणे आ, हां जी। पर जदों कोई परमेशर दा प्यारा मिलदा, रब दा प्यारा मिलदा, इन्ना सोहणा लगदा है कि वड्डे तों वड्डा नोट कढ के उहदे अगे रखीदा, ये नहीं आखीदा वी तूं की करना, आखीदा साडी हाजरी ला लो जी, ये गरीबी दावे जिहदा साडा जी, साडी हाजरी ला लो जी। किन्ना सोहणा लगा है घर दा जी, पैसा मंगे ते जे वह बार बार मंगे ते गुस्सा भी आउंदा ते उत्थे आपे कढ कढ के रखी जान दिया जी, वाहो वाहो करहे से ही जान सोहणे। माया वास्ते किन्नी भज दौड़ है जी, हाँ जी। पहला तो माया कमाउण वास्ते 15, 18, 20 साल तो बंदे नूं पढ़दिआं कोर्स करदिआं लग जांदे आ जी, तजर्बे करदिआं लग जांदे आ जी, फिर वह कमाई करदिआं किन्ना समा लगदा जी, फिर वह कमाई की तकसीम शुरू हो जाती है जी, वोटी आ जाती है जी, माँ प्यो का हिस्सा, सरकार दे टैक्स, फिर चलण दे बच्चियां ते धड़ा धड़ खर्चा जी, ते अपने पल्ले कुछ उहना प्याज मुड़ के जी। 15-20 साल पहलां पढ़न ते खपण ते ला ले जी, हाँ जी। पर जे किते इन्ना समा रब दे नाम ते लगा हुंदा ना जी, फिर वेंदे की बनदा जी। मारे कहिंदे तुहानूं असीं दसदे तुहाडी मुख लोड़ की, आखो सारे गज के धन गुरु अर्जन देव साहिब। गुरु जी कहिंदे तुहानूं मैं दस रहा भी तुहाडी असली लोड़ की आ, तुहानूं की करना चाहीदा वा, की करना चाहीदा? कहिंदे तुहानूं उस मालक दे नाल अपने प्रभु परमात्मा नाल जुड़ना चाहीदा जी, जुड़ना चाहीदा उहदे नाल। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਉਂਦੇ ਆ ਜੀ,
सारे ओदे अके ने होंदे आ जी। ओदी धरती दे उत्ते बंदा चल रहा जी, ओदे आकाश दे थले मनुख रह रहा जी, ओदी दित्ती हर चीज मनुख वरत रहा जी। कितना कहेगा मैं ओदे अगे न्योंदा नहीं, मैं मनदा नहीं गा जी। हाँ जी, कोई मां मूर्ख होएगा जिहड़ा ये गल कहेगा? सच्चे पातशाह कहिंदे जिस अगे सारे ही न्योंदे ने, वड्डी तो वड्डी ताकत भी कोई है वो रब ने ही दित्ती है जी। उन्होंने सब देवी देवते दूजे तीजे हर जेठ जुड़न दा लोड़ी है, जिस अगै सब निवन हर सज्जन दावण लगे। दावण दा अर्थ हुंदा पल्ला, हर सज्जन दावण लगे किसी ने देई बन। नौजवान मुंडा ते नौजवान किसी दी धी विआउण योग हो गई, समा आया वार घर लभ के रिश्ता कीता, ते फिर गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी विच आए, ते फिर प्यो ने अपनी धी दा पल्ला फड़ा दिता जी। हाँ जी, अपनी धी दा पल्ला फड़ा दिता। ते फिर तुसी वेख लो, पल्ला फड़दिया सार ही अजे उन्हें उस घर का मूँह नहीं वेखिया जी। हाँ जी, कदे उत्थे झाड़ू नहीं फेरिया जी, उस घर च पैर नहीं पाया उन्हें, पर जदों पल्ला फड़ लिया घर की मालक बन गई जी। की आते होंगे घरवाली, घरवाली घर की मालक बन गई जी, पल्ला फड़ा दिता जी उन्हें। पल्ले की बड़ी वड्डी ताकत हैगी है, पल्ले की बड़ी वड्डी शक्ति है। महाराज कहिंदे एक आम दुनियादार बंदे दे पल्ले लग गई ते उहदे घर दी ओह मालक बन गई, घर वाली हाँ जी उहदे घर दी मालक बन गई। खुद घर दा मालक उहदे कोल मंग के खांदा जी। तुसीं आंदे नहीं होंदे अपने घर वालियां नूं, लियाओ प्रशादा छकीए, लियाओ चाह पीए, मंग के। हाँ जी, पल्ले दी किड्डी वड्डी ताकत है। ते जे कोई रब दा पल्ला फड़ लवे जी, हाँ जी हर सज्जन दावण हरी परमेश्वर वाहिगुरू अकाल पुरख, जिहड़ा ओ सज्जन है जिहड़ा इस लोक दा भी मालक है ते अगले लोक दा भी मालक है जी। दोवां थावां दा जह जाइए तहां सुहेले, कर कृपा प्रभ मेले। इत्थे उत्थे रखवाला प्रभ सतगुर दीन दयाला। जेड़ा इत्थे मनुख है वह कोई हो सकता थोड़ा बहुत चार किले ज्यादा उहदे कोल होणगे, घर थोड़ा बहुत वड्डा होएगा, चार पैसे वध होणगे, छोटे छोटे दायरे विच है। पर एक सिक्ख्या वास्ते है कि पल्ला फड़ लिया। हाँ जी, एक तो घर की मालक बन गई, दूजा उन्हें फिक्र कोई नहीं जी। हुण उन्हें पल्ला फड़ लिया, उन्हें फिक्र कोई नहीं, वह कमा के लियावे। हाँ जी, बीबी राणी जी ने घर आनंद ना बैठते ने जी। हाँ जी, लियावे देवे हथ ते रखे जी, फरमैश बैठियां करी जानी है, फलानी चीज़ लैके आनी है, फलानी चीज लैके आनी है। क्यों? पल्ला फड़िया, कोई खेड थोड़ी है जी, पल्ला फड़िया। ते जिन्ना ने रब दा पल्ला फड़ लिया जी, वह किड्डी वड्डी गल हैगी है जी। हर सज्जन दामन लग्या किसे ना देई बन। ओ मालक प्रभु परमेश्वर परमात्मा जेडे ओदे पल्ले लग जांदे, पल्ला फड़ लैंदे, ओदे बन जांदे है ना जी, फिर किसी की जरूरत नहीं हैगी कोई उन्होंने कोई रुकावट पैदा कर सके जी। हाँ जी, बन बन लग जाता ना जी। हाँ जी, भाव इत्थे बंधन भी, यदा अर्थ बंधन भी बन जाना जी। जेड़े ओदे पल्ले नाल लग गए फिर उन्होंने कोई बंधन नहीं पै सकता जी। मारे कहिंदे किड्डी वड्डी लोड़ रब दे नाम दी, किन्नी वड्डी लोड़ परमेश्वर दे नाम दी।
जिन्हां ने उस प्रभु परमेश्वर परमात्मा का पल्ला फड़ लिया फिर उन्होंने कोई बंधन नहीं पै सकता जी, फिर उन्हां दी जिंदगी तरक्की च है जी, जीवन उन्हां दा तरक्की च है जी। जिन्ने मर्जी लोग उन्हां दे अगे रुकावटां पैदा कर लैण हांजी, कोई भी उन्हां नूं बंधन नहीं पा सकता जी। आखो सारे गज के श्री वाहिगुरु, धन गुरु अर्जन देव साहिब जी। सच्चे पातशाह अगे फरमाउंदे, माणक मोती नाम प्रभु न लगे नाहीं सन। ओ जेड़े अपनी लोड़ समझ के परमेश्वर दा नाम जपदे जी, हर वेले अपने मालक दे अगे नीवे होंदे, भी तेरे अगे ते सारे ही नीवांदे आ ते मैं गरीब नमाणा की हैगा जी, सब उस दे अगे न्यो के रहिंदे ने। जेड़े पल्ला फड़ लैंदे ने, बंधना तो रहत हो जांदे ने, ओह फिर वेले हो के नहीं बैंदे जी। हुण दा ते मैनूं बहुता पता नहीं, पुराने जमाने दे विच कदे भी घर विच घर वालियां बीबियां वेलियां नहीं सी बैठदियां, छीना जी वेलियां नहीं सी बैठदियां, कोई ना कोई काम कार उन्हां कर ही जाणा जी। हांजी, वड्डे वड्डे सरदार घरां दियां बीबियां मैं वेख्या अपने हाथी पाथियां तक पथदियां हुंदियां हैं जी, सुभाअ सी उन्हां दे वेले नहीं बहना, करदे रहना, अपना घर है, जिम्मेवारी है, घर सामना, घर का काम करना, एहसान करना किसी नूं जी। हुण समां इहो जिहा बदल गया, हाँ जी, सफाई वाली वक्खरी चाहीदी है जी, लीड़े धोण वाली वक्खरी चाहीदी है जी, भांडे मांजण वाली वक्खरी चाहीदी है जी, जिन्नियां ज्यादियां नौकराणियां घर विच रखणियां उन्हां फखर नाल दसदे ने जी, टौर नाल दसदे आ, असी तो सफाई वाली वक्खरी रखी है जी, असी भांडे मांजण वाली वक्खरी रखी है जी। वो मैं एक घर बैठा तो उन्होंने घर आ गया रिश्ता, तो मैनू भी प्रेम करते ही बह गए अं कट्ठे सारे। वो कुड़ी की माँ कहन लगी, सुन लो जी मेरी गल, मेरी धी ने ताडे घर आ के भांडे नहीं जे मांजने, रोटियां नहीं जे पकाउणियां, कपड़े नहीं जे धोने। वो बेचारे दोवें जी भले मानस शरीफ, उन्हों का तो रंग उड़ता जाए सुन के जी। हाँ जी, तो मेरे को रिहा ना गया, मैं बीबी जी थानू मजबूरी की उन्होंने भी आने की, थानू की मजबूरी भी आने की, योजे भूत न अपने घर रखो, जिन्हें रोटी नहीं पकानी, जिन्हें सफाई नहीं करनी, जिन्हें लीड़े नहीं धोने, कोई काम नहीं करना, तो मैं क्या भी तुम उन्होंने अपने कोल ही रखो चंगी। मैं तुसा पढ़ाई लिखाई कराई आ, तुसी अकल दे हो भी घर उत्थे जाके सेवा करी दी आ, सत्कार करी दा वा, अपनियां ड्यूटियां निभाई दियां, असीं छोटे हुंदे वेंदे रहे आ, बीबियां कितें घड़ी वेलियां नहीं बैठदियां। हाँ जी, ते कच्चे घर गरीबी दावे ते स्वर्ग हुंदे सी घरां दे विच जी, स्वर्ग जी, उत्थे माल डंगर, उत्थे पट्ठे खिलरे पए, करे मूसल करे वेलना, हाँ जी, ऐ मिट्टी कटे ना भरिया घर, ते स्वर्ग जी। हुण तक भी जदों चेते आउंदे आ, एक रां हूटा आ जांदा दिमाग दे विच जदों चेते आउंदे उन्हां घरां दे ना जी। हाँ जी, क्यों वेले बहना नहीं, लगे रहना जी। जिहड़े फिर उस मालक दा पल्ला फड़ लैंदे ने, ओ वाहिगुरु उन्हां दे अगे रुकावट नहीं कोई आउण दिंदा जी, परमेश्वर उन्होंने बंधन नहीं कोई पैन दिंदा जी, फिर वह वेले नहीं जे बैठते जी, वो वेले नहीं बैठते, वो फिर जायदाद बनाते है जी, जायदाद कट्ठी करते जी। पुरानियां बीबियां बंदे का बड़ा साथ दिंदियां हैं जी, बहुत ज़्यादा जी, हाँ जी, बहुत साथ देना जी, पठा डका कुतर के माल डंगर नू पा के, हाँ जी, दुध दध वेच के घर के खर्चे उन्हें जिम्मेवारी ना चलाई जाने जी, बरकत पई पई रही सी घर जी। इस तरह जेडे उस मालक का पला फड़ लेंदे ने, अपनी लोड़ समझ के उस वाहिगुरु नू याद करते चेते करते हर वेले न्यों के रेंदे है, वह फिर जायदाद बनाते ने, कि जी माणक मोती नाम प्रभ,
हुण वेखो पुराना जमाना जदों हुंदा सी जदों दी इह गल है उदों कागजां वाले नोट नहीं सी हुंदे जी उदों दमड़ियां हुंदियां सी दमड़े हुंदे सी जी तांबे दे पैसे हुंदे सी जी टके हुंदे सी जी हाँ जी इस तों अगे सहजे सहजे मोहरां हुंदियां सी जी तो वह तो महाराज उन्हों का तो भार ही बड़ा हो जाता जी उन्हों का खलारा ही बड़ा हो जाता जी उन्हों रखना सामना बहुत औखा जी हाँ जी वो फिर कमाई करके ना लोग वो बदले दे महंगी चीज़ ले लेंगे हूँ वेखो ना कितने 10 लाख रुपये के बंडल बंदे ने जेब च पाने तो कितने 10 लाख का सोना जेड़ा जी वो इन्ना की बस सामना भी बड़ा सौखा जी हाँ जी गल समझ च आ रही है ना इस तरह ही वो जेड़े लोग सी फिर वो महंगिया चीज़ा लेके ना जी अपनी जायदाद बना के रख लेंगे उदो बैंकों के होंदिया नहीं सी जी महंगी चीज़ लैके उन्हू सामभ के रख लेना भी लोड़ वेले साढ़े काम आएगी जिस तरह उन्हां समझदार लोगों ने अपनी जायदाद बनाई माणक मोती इकट्ठे किए इस तरह ही जिन्हें रब का पला फड़ लिया जिन्हें उसनू याद करना अपनी लोड़ बना ली जिन्हें अपना लोड़ समझ ली कि वाहिगुरु अकाल पुरख का भजन करना मेरी जिम्मेवारी है मेरी लोड़ है उन्हें फिर दिन रात उन्हू जप जप के फिर उन्हें अपनी जायदाद बनाई जिस तरह लोग माणक मोती सोने चांदी की जायदाद बनाते हैं ना जी उन्हें फिर सब कुछ रब का नाम ही फिर समझ लिया जी हाँ जी उन्हें तो इतों तक भी समझ लिया भी मेरी जिहड़ी खुराक आ मेरा जिहड़ा भोजन ये भी रब का नाम ही है जी ये भी रब का नाम है पहनना भी रब का नाम ही है जी गरीब नवाज पातशाह समात देंदे माणक मोती नाम प्रभ उन लगे नाही सन हुण वेखो इन्नी क चीज़ आ जी तो लखां दी आ तो कितने गुप्त रख रखी है जी तो पुराने जमाने जे कच्चे घर होंगे तो सन पुराने लोगों को पता सन किनू कहिंदे जी उन्होंने मघोरा जहा कर लेंदे चोर जी पिछले पास्यों जी तो कच्ची जगह ही खड़का खुड़का कोई हुंदा नहीं बेचारे थके लोग सुते होंदे ही जी वो फिर अंदर लंघन जिन्ना मोरा जहा बना लेंदे सहजे 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 उन्होंने कट कट के मिट्टी नूं हाँ जी अंदर वड़दे सी हुण अंदर चीज़ उन्हां दे हाथ आने वाली होवे ते आवे जी हाँ जी वो जिहड़ी जायदाद बनाई वो है ते लखां दी है पर है थोड़ी जी इहो जे टिकाणे रखी जिथों लभ नहीं सकदे जी पर हो सकदा दुनियावी सन लगी होवे ते किसे दा दा लग जावे पर मर कहिंदे रब दे नाम नूं सन कोई नहीं जला सकदा ये नहीं जे कोई लुट सकता गुर का बचन बसे जी नाले जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे पाहे न सके जाले जल च डूब नहीं सकता चोर लुट के नहीं खड़ सकता ते अग साड़ नहीं सकती जी रब दे नाम नूं जी माणक मोती नाम प्रभ गुरु जी कहिंदे तुहाडे वास्ते किन्ना जरूरी है रब दा नाम किन्नी लोड़ है तुहानू रब दे नाम दी परमेश्वर दे नाम दी अकाल पुरख दे नाम दी उसदा पल्ला फड़न दी तुहानू किन्नी ज्यादा जरूरत है बहुत लोड़ है क्यों हर वेले जे कृपा करनी तो उसे ने करनी आखो सारे गज के श्री वाहिगुरु उसे ने बख्शिशां करनियां सारियां जिन्ना भी तुसी वाहिगुरु दा नाम सिमरोगे तुहाडा लुट कोई नहीं जे सकदा जी कोई नहीं लुट सकदा जी जिन्ना ने जपिया मारे कहिंदे जिन जपिया तिसको बलिहार तिसका संग तरह संसार अगली पंक्ति सुनो बड़े ध्यान नाल मैनू आउंदा कुछ नहीं मैं तो मूर्ख आदमी हैगा बेसमझ हाँ ये तुहाडे वास्ते महाराज मैनू बुला देंदे उंज वैसे मैं कोई तैयारी करके नहीं आया कोई पढ़ के नहीं आया कुछ याद करके नहीं आया मैं तो खुद हैरान हुन्ना भई मेरे नालों तो गुंगा भी चंगी तरह बोल सकता जी हाँ जी
ਮਾਰੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ, ਮਿਹਰ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੱਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ, ਵੇਖੋ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਗੁਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਠੰਡੇ ਪੀਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਰਫੀਆਂ ਖਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਕੌੜੇ ਖਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੌੜੀਆਂ ਖਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਹਿੰਗੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਧਨ ਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣੇ ਜੀ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ? ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਗ ਸਭੇ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ, ਰੰਗ ਸਭੇ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ, ਜੇ ਤੇ ਮਨ ਭਾਵ ਹਨ। ਰੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਜਿਤਨਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਨਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਕੋਲ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਾਨਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਜੀ ਕਰੇ ਖਾਵੇ ਪੀਵੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦ ਲਏ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਾਣ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ, ਰੰਗ ਸਭੇ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ, ਜੇਤੇ ਮਨ ਪਾਵਨ। ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਵਦੇ ਆ ਤੂੰ ਓਨੇ ਲਈ ਜਾਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਨੰਦ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਗਲ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੂੰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਤੇ ਸਹੀ ਮਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਤੇ ਕਰ, ਉਸਦੇ ਪੱਲੇ ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਭੇਟ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਬਣ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਬਣਾ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਈ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਉਹਨੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਨਦਰ ਨਾ ਲੇਖਾ ਪੁੱਛੀਏ, ਹੁਣੇ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤਿੰਨ ਨੌ ਨਿਧ ਪੁੰਜੀ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ, ਰੰਗ ਸਭੇ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ। ਰੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਦੱਸੋ। ਰੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ, ਆਨੰਦ। ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਮਿਲਣਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਤਿਓਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਜੀ। ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਕਿਤੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਆਹ ਖਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾ ਲਏਗਾ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਖਾਧੇ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹਾਲ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿੱਤ ਖਾਧੇ ਤਨ ਪੀੜੀ ਦੇ ਮਨ ਮੈਂ ਚੱਲੇ ਵਿਕਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾ ਲਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਨ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਲਕ ਦੇਵੇਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਦੇਈ ਜਾਣੀਆਂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਰੰਗ ਸਭੇ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ, ਜੇਤੇ ਮਨ
भाव हैं तुहाडे मन नूं जिन्ने भावदे चंगे लगदे आ जी उहदे कोल सब कुछ ही है जी सब खुशियां दे खजाने उस प्रभु परमेश्वर परमात्मा दे कोल है तुहानूं जिहड़ी जिहड़ी लोड़ उही मिली जाणी है किते भज दौड़ नहीं करनी पैनी किते नहीं जाना पैना बस तुसी उसका नाम जपना ते जो भी तुहाडे मन का फुरना है वह सब कुछ उन्हें तुहानूं हाजिर करी जाना जी सब कुछ हाजिर करी जाना जी रंग सबे नारायण है जेते मन पावन जो हर लोड़े सो करे सोई जी करन वाहिगुरु अकाल पुरख परमेश्वर जी जो कुछ भी करते सही करते जी रब जो कुछ करता चंगा करता जी साड़ी मत थोड़ी करके असी किंतु परंतु शुरू कर दें पर नहीं जो रब नू चंगा लगता जो लोड़ समय अनुसार वो परमेश्वर करता जी जो हर लोड़े सो करे वाहिगुरु अकाल पुरख नू जो चंगा लगता वाहिगुरु अकाल पुरख परमेश्वर जी वो करते ने जी हाँ जी ते फिर सानू की करना चाहिए जी सानू वो कुछ करना चाहिए जो उन्हू चंगा लगता जी आखो सारे का जी के श्री वाहिगुरु जो उसनू चंगा लगता वह करता जी हाँ जी तो रब हमेशा ही चंगा करता जी जो तुद भाव है नानका साई गल चंगी आपे हर एक रंग है आपे बहुरंगी जो तिस भाव है नानका साई गल चंगी ताजो मारे कहते ना जी वारिया ना जावा एक बार जो तुद भाव है साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार वाहिगुरु अकाल पुरख जी ओ ही करते हैं जी दी लोड़ है हाँ जी सानू की करना चाहिए जी हाँ जी सानू ओ करना चाहिए जो उन्हू चंगा लगता जी जो रब नू चंगा लगता वो तो कर रहा जी रब नू चंगा लगा उन्हें सानू बंदे बना दिता जी हाँ जी रब नू चंगा लगा उन्हें सानू हर चीज दे दिती जी सब कुछ सानू दे दिता जी हाँ जी हुण सानू भी तो चाहीदा ने भी जो उन्हू चंगा लगे वह करना जी हाँ जी महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे जिहड़े उसका पला फड़ लैंदे ने जिहड़े उसदे लड़ लग जांदे ने जिहड़े उसदे बण जांदे ने जिहड़े उसका नाम जपदे फिर वह भी उह ही करदे जो उसनू चंगा लगे जो उसनू पावे जो हर लोड़े सो करे सोई जी करन फिर जिहड़े इस तरह के लोग होंदे ने जी वो बड़े इतबारी लोग बन जाते ने जी तो जिदे ते आपां इतबार करिए फिर आपां की आने ने जी आपां कहने ये अपना जी ये अपना जी भावें कोई रिश्ता नहीं उहदे नाल पर इतबार बन गया जी हाँ जी सांझ बन गई है नेड़ता बन गई है उन्हों कही दा ये अपना जी वाहिगुरु जी ने फिर कृपा की जी फिर इस तरह के प्रेमी नू अपना बना लिया जी जो प्रभ कीते अपने जिन्हां नू प्रभु ने अपने कर लिया अपने बना लिया फिर ऐस दुनिया विच वेखण विच आउंदा है सेई कही अहे धन लोकी उन्हां नू धन धन आखदे जी धन धन आखदे ने उन्होंने जीवद्या दे आखना मरण तो बाद भी धन धन आखते ने जी उन्होंने फोटो कागजा के उत्ते छपे उन्होंने वेख के लोग धन धन आखते ने जी जो प्रभ किते अपने से ही कही है धन महाराज गुरु अर्जन देव साहब जी ने पूछा किसी ने भी महाराज ये सारा कुछ जे बंदा चाहे तो अपनी मर्जी ना उन्होंने मिल सकता बंदे का जीत करता भी मैनू भी लोग सारे धन धन ही आखन जी मैनू सब मथे टेकन जी मेरे को भी बड़ी जायदाद हो जी मैं भी बड़ा चंगा लगा जी कौन चाहता जी भावें नहीं भी कोई नाम जपता इच्छा तो हर एक होंगी है ना जी मारे कहते नहीं अपनी मर्जी ना कुछ नहीं मिल सकता वह पला फड़ना ही पैना बंदे जी उसके पले लड़ लगना ही पैना है जी वाहिगुरु नू याद करना ही पैना जी ये लोड़ है ये तो बिना सरना ही नहीं मारे कहते
रब दे नाम की जायदाद बनानी पैनी, जो उन्हूं चंगा लगता वह करना ही पैना है जी। तो धन महाराज सच्चे पातशाह आखो सारे धन गुरु अर्जन देव साहब जी। आपन लिया जे मिले विछड़ क्यों रोवन, जे अपने ताकत नाल अपनी सियाणप नाल अपने तरीके नाल ये सब कुछ मिलता होवे तो फिर दुनिया के लोग विछड़ विछड़ के क्यों रोंदे फिरने जी। हाँ जी, क्यों रोंदे फिरने जी? बार बार जन्म होना, हाँ जी, विछोड़े पैने बड़ी औखी खेड। इस जगत विच संसार दे विच दुनियादारी दे तौर ते जे आपां वेखीए कोई सुखी आ ते कोई सुखी नहीं हैगा, दुखी ने लोक दे परेशान ने। मनुख देह विच वी बहुत सारे दुनिया दे लोक दिन रात रोंदिया ही कटदे आ जी। ये एक वक्री गल आ भी दूजे नूं वेख के आदमी हस के विखा दिंदा वा अंदर दी हालत जिहड़ी आ, क्यों उन्हें वह जिहड़ी दात लैनी चाहिए सी वह लई नहीं जी। गुरु अर्जन देव साहब कहिंदे वेखियो कितें रब नाल चलाकी ना करियो, ये अपने आप नहीं जे सारा कुछ मिलता, ये अपनी सियाणप नाल अपनी चतराई नाल अपने तरीकियां नाल नहीं जे कुछ भी मिलता। जे अपनी चतराई ना मिलता तो फिर क्यों दुनिया रोवे जी, क्यों लोकी रोण जी, क्यों दुखी होए फिरन जी। बेनती की महाराज फिर तुसी दसो, तुसी दसो महाराज ये प्राप्ति कितों हो सकती, किस तरह हो सकती है? आखो सारे धन गुरु अर्जन देव साहब, धन गुरु अर्जन देव साहब। आ सुनियो बड़े ध्यान नाल, भुल्यो ना महाराज, तुसी दसो फिर प्राप्ति कितों हो सकती है? ते सतगुरु जी कहिंदे साधु संग प्राप्ते नानक रंग माणन। इत्थे साधु दा अर्थ सब तो पहला तो सतगुरु है जी। हाँ जी, ये प्राप्ति महाराज गुरु अर्जन देव साहब जी कहिंदे भी सतगुरु की संगत विच आनी। जदों जिन्नियां बख्शिशां उपर दसियां ना जी, नाम जपण दा सुभा, ये लोड़ समझनी भी मेरी लोड़ है वाहिगुरु दा नाम जपना। हाँ जी, ये मेरी लोड़ है, उसका पला फड़ना, उसके लड़ लगना, उसके हो के रहना, नाम की जायदाद बनानी, हर वेले वाहिगुरु नूं चेते रखना, याद रखना। मारे कहिंदे ये सतगुरु की संगत विचों तुहानू दात मिलनी है। संगत करन वाले बहुत सारे लोग बड़ी तरक्की कर जांदे जी, क्यों सुन सुन के अपने हिरदे विच वसा लैंदे ने जी, लगे रहिंदे ने जी, ते लगे लगे बहुत तरक्की कर जांदे ने जी। गुरु की संगत दे विचों, सतगुरु जी की संगत विचों प्राप्ति होनी है जी। जे किसी साधु महापुरश कोलों भी होनी तो वह भी तो गुरु की संगत विचों ही आ, वो तो गुरु की, वह भी गुरु की संगत ही है जी। जे आप इत्थे विचार करते हैं भी साधु की संगत तो प्राप्ति होनी है तो वह भी तो गुरु की संगत ही है जी। उन्हें भी तो गुरु को ही दात ली है ना जी, गुरु ने ही वो कृपा की सच्चे पातशाह ने। हाँ जी, साधु संग प्राप्त नानक रंग माणन। जिन्हां सतगुरु की संगत प्राप्त हो जाती है ना जी, वह फिर सारिया खुशियां माणते हैं जी, सारे आनंद माणते ने जी, हर वेले वाहिगुरु दीयां बख्शिशां दे आनंद माणते ने जी। आखो सारे गज के श्री वाहिगुरु। साधु संग प्राप्ते, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सतगुरु की संगत विचों महाराज कहिंदे तुहानू ये सारा कुछ मिल सकता जी। संगत विचों तुहानू समझ पैनी है भई उस वाहिगुरु अकाल पुरख नू चेते करना, ये मेरी लोड़ है, मेरी लोड़ है। भाजी लश्करी नंगल वाले, ये मेरी लोड़ है। सवेरे सुखते दुध वेचण वाले रात नूं भी गेड़े लाउंदे ने दुध लैण जांदे, ते सवेरे तड़के किसी ने सैकल फड़िया ते किसी ने मोटरसाइकिल फड़िया घरों घर, क्यों? मेरी लोड़ है जी। ते जिन्हां ने चाह पानी छकना जी,
उन्होंने सवेरे डब्बे फड़े होंगे तो जिथे डेयरिया गावं मझा वाले उत्थे जाते कि नहीं लैन जी। हाँ जी, तो बदबो आती होंगी उ जी, अपनी लौड़ है की करन, चाह पानी तो पीना ना, दुध तो पीना जी। हाँ जी, लौड़ है, जाते ने लोग जी, बड़े बड़े सरदार घर के बंदे बीबियां अपनी लौड़ नूं जांदे जी। आ मैनू इत्थे एक सिंह दसन डिया सी, अहीं 8 किलोमीटर तो रोज़ दुध लैके आने, चुआवां कहिंदे 8 किलोमीटर तो जी, रोज़ लौड़ है जी। हाँ जी, जदों तुसीं संगत करोगे ना गुरु दी, ते तुहानूं इस गल दी समझ पै जाणी आ वी मैनूं लौड़ है परमेश्वर दे नाम दी, ये मैं आसान नहीं करना किसे सिर। हाँ जी, ये जिहड़ा रब दा पल्ला फड़ना ना, ये मेरी लौड़ हैगी, मेरी लौड़ जी। हाँ जी, तुसीं सियाणे शरीर बैठे जे, संसार विच लौड़ है जी। हाँ जी, जायदाद बनाउणी किहदी लौड़ है जी, बोलो, जायदाद बनाउणी किहदी लौड़ है, अपनी लौड़ है जी, अपनी लौड़ नूं बनाउणी है जी। ते नाम किहदी लौड़ नूं जपणा जी, अपनी लौड़ है जी। ये तुहानूं गुरु की संगत विचों पता लगना जी, सारियां गल्लां दा साधु संग प्राप्ते, ये प्राप्ति तुहानूं सतगुर की संगत दे विचों आउणी है जी। ते जदों ये प्राप्ति होगी ते धन गुरु अर्जन देव जी साहब जी कहिंदे, नानक रंग माणन, फिर तुसीं जिन्नियां मर्जी खुशियां माणो जी। रब दे नाम विच सारियां खुशियां ही खुशियां ने, आनंद ही आनंद है जी। बस लगे फतेह बुलाउण, खुशियां खुशियां ने, आनंद ही आनंद है जी। आखो सारे गज के श्री वाहिगुरु। साधु संग प्राप्ते नानक रंग माणन, सच्चे पातशाह फरमाउंदे आ, हर जेठ रंगीला तिस धणी। ओ रंगीला, ओ प्यारा वाहिगुरु अकाल पुरख, ओ सारिआं नालों वड्डा, सब नूं पैदा करन वाला, सब नूं खाण नूं देण वाला, सब दी प्रतिपालना करन वाला, सारिआं ते मेहरां बख्शिशां किरपा दया करन वाला, सब दा भला करन वाला, ओ वाहिगुरु अकाल पुरख, खुशियां दा मालक, खुशियां देण वाला दाता, रंगीला सज्जन, समूह खुशियां देण वाला दाता परमेश्वर। हाँ जी, ओ जिहड़ा सारे जगत नूं धन देण वाला जी, सारे धन दा मालक है परमेश्वर अकाल पुरख, हार जीवन दाता, हर जेठ रंगीला तिस धणी, जिस कै भाग मथन, जिहदे मथे दे भाग बन गए जी। एक भाग पिछों बने आउंदे जी, पूर्वले कर्मां अनुसार ना जी, ते एक भाग जदों बार बार इन्हां दे चरणां च बंदा शीश झुकाउंदा ना, बणदे आ जी भाग, भाग बणदे आ। इस वास्ते जदों बैठते जे, घड़ी नाम जपते जे ना, सिमरन भी करी जाया करो, तो मत्थे भी टेकी जाया करो जी। हाँ जी, तो जदों तुसी एकांत बैठोगे, इस करके भजन सिमरन वाले नूं ज़्यादा एकांत बहना चाहिए ना जी, बार बार तुसी ऐ करी चलो जी, ऐ करी चलो जी, तुहानूं वेखना ही नहीं किसी ने जी। हाँ जी, कोई महसूस नहीं होना जी, किसी के सामने करोगे हाँ जी, फिर उही गल बन जानी है जी। घरवाली ने सोचना भी पता नहीं की चक्कर चल गया, किसी ने कुछ खवाता इनू, खरे ऐ ही करी जाता, ऐ ही करी जाता जी। हाँ जी, एकांत बैठो, नाले अपने वाहिगुरु नू याद करो, ते नाले गुरु दा वचन मनो, नमस्कार तां को लख बार, तुहानू आदत ही पै जे जी। भगत जी महाराज ने ना जी अपने कमरे में सतगुरां दे फोटो लाए जी, मेरे नाक महात्मा चला गया जी। मैं उन्हें बथेरा समझाया कि उन्हां दे नाल कोई वादू काटू गल ना करनी, पर उहदे को रिहा ना गया जी। कहिंदा जी, आ तुसां फोटो कादे लई लाए आ? हाँ जी, भगत जी कहिंदे जी मत्था टेकण वास्ते। कहिंदा जी, फोटोआं नूं मत्था टेकण दा की फायदा? हाँ जी, ओह कहिण लगे वी फायदे ते बड़े आ,
पर एक फायदा ही तेन मोटा जहा दस देने भी बंदा अपनी सेहत ठीक रखने वास्ते कसरत करता जी, डंड बैठका मारदा जी, मेरा शरीर ठीक रहे। कह लगे अं दिहाड़ी जी 40-50 बार मत्था टेकते हैं साढ़े शरीर की कसरत हो जाती। कह लगे रोटी हजम हो जाती है, आ थां सारे सही हो जाते। कहते थां ठां इस तरह करने मत्था टेकन। कह लगे सारा शरीर अरोग हो जाता। कहते सानू तो बड़ा फायदा ही। कह लगे सानू तो बड़ा फायदा। हुण जो योगा कराते हैं जी, हुण मैं जे तुहानू उस तरह करके विखाया तो तुहां हसण लग पैना सारिआं ने जी। तो वेखिया जी तुसा बाबे रामदेव नूं कईआं नूं वेखिया योगा कराउंदे आ, जदों तुसीं बार बार एकांत बैठे बार बार करोगे बार बार सारे बने उही आ, तो फिर वेखो किन्नी इन्हां थावां दी तुहाडी कसरत भी होई जाणी है जी, तुहाडी भगती भी होई जाणी आ, तुहाडी बंदगी भी होई जाणी आ, सिमरन भी तो सावधानी भी उंज भी तो जदों पहरा दूजा वरत्या होवे जी है जी, बस 2-4 मिनट नाम जपो तो शुरुआत हो जाती ना जी। दूजा वह भी मैं किया फिर तो हसना जी। हाँ जी जिन्हों अंगलाना कहते उदों तो डिगदा ही है कभी ऐनू कभी ऐनू। तो जे सावधान होकर वाहिगुरू वाहिगुरू करके अपने मालक अगे बार बार सिर चुकाई जाए किन्ना भला होएगा जी, किन्ना लाभ होएगा जी, किन्नियां वड्डियां प्राप्तियां होणगियां जी। मार कहिंदे हर जेठ रंगीला तिस धणी जिस कै भाग मथन। मथे दे भाग जी दे बण गए जी। हुण वेखो महाराज जी बच्चे नूं स्कूल पढ़ने पाया जी, ते जिहड़ा बच्चा टाइम नाल जाएगा समय नाल जाएगा, जो मास्टर ने पढ़ाया उहनूं याद करेगा, घर आ के फिर याद करेगा, मेहनत करेगा, ते वेखो मेहनत एवें ते जाणी नहीं गी, नंबर तो चंगे आने ही आने हैं। तो जिन्हें घर भी रोटी रज के खा ली, 4 परौंठियां नाल भी लै लिया, तो स्कूल के बाहरले बने किकर दे थले जाके लम्मा पै के जदों छुट्टी हुई न्याणियां दे नाल घर आण वड़िया, घरदियां सोचिया पढ़ के आया, तो जदों मुड़ के फिर पेपरां दे दिन आ गए तो मुड़ के फिर दिल कंबन लग पिया जी। हाँ जी, तो जदों फिर वह गल हो गई, वह मास्टर ने वेख्या भी इहनूं तो कुछ भी नहीं आउंदा, तो पुराने जमाने च फटियां होंदियां हैं जी, फट्टी लकड़ की फट्टी होंदी है जी। वो मास्टर ने जदों वेख्या भी कुछ भी नहीं आया इहनूं, उहने वड्डी सारी सिफर वाती उत्ते जी। हाँ जी, कहन लगा भी आ तैनूं देती है। घर आया, मां छेती कर गुड़ की रोड़ी कढ मैं वंडनी है। उहने आखिया की गल पुत, तैनूं आखिया छेती कर गुड़ वंडना, उदों गुड़ ही हुंदा सी सब तों वड्डी मठियाई। उन्हें आख्या कोई गल तो दस कि गल वंडना। उन्हें आया वह जट सिफर आया ही। कह लगा वह किडे नंबर सारी फटी भरी पी मेरी। कह लगा एडा वा नंबर मिलया। उन्हें आख्या मूर्खा ये तो कख भी नहीं हैगा, ये तो कुछ भी नहीं हैगा, ना इनू एक लगा, ना इनू 2 लगे, ना इनू 3 लगे, कुछ भी नहीं लगा। हाँ जी, असी भुलेखे बच्च किरण संसार अपना समा जोड़ा वह गवा बैठते हैं। मेहनत की एवें जाती नहीं जी, एवें नहीं जाती। पिछले भी मथे दे भाग जिन्हां दे आ उह ते जमदे ही लग पैंदे जी, जमदे ही लग पैंदे आ। ते जिहड़े संगत करदे आ, संगत करदिआं करदिआं सेवा करदिआं दर्शन करदिआं हर जस सुणदे आ नमस्कारां करदिआं, उहनां दे मथे दे भाग बण जांदे ने जी। ते जदों मथे दे भाग बण जांदे आ फिर वह खुशियां देने वाला दाता रंगीला सज्जन जिहड़ा सारे धन का मालक है, वह फिर कोई भी कमी रहन नहीं दे दिंदा। आखो सारे गज के धन गुरु अर्जन देव सर, धन गुरु अर्जन देव सर, श्री वाहिगुरु जी, श्री वाहिगुरु जी, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब। सच्चे पातशाह महाराज गरीब नवाज मेहरबान, सच्चे पातशाह मेहर करन बख्शिश करन। ते फिर जे सारा चेते नहीं रख सकते तो ये जरूर चेते रखियो, हर जेठ जुड़न दा लोड़ ही है, जिस अगे सब निवान ओ सब तो वड्डा परमेश्वर जेड़ा उस दे नाल जुड़ना साड़ी लोड़ है, जुड़ना चाहीदा है। सच्चे पातशाह समत दिंदे जी।
जपियो जिन अर्जन देव गुरु, 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 फिर संकट जोन गर्भ ना आयो, फिर संकट जोन गर्भ ना आयो, फिर संकट जोन गर्भ ना आयो, जपियो जिन अर्जन देव गुरु, जपियो जिन अर्जन देव गुरु, जपियो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ ना आयो, फिर संकट जोन गर्भ ना आयो, जपियो जिन अर्जन देव गुरु, जपियो जिन अर्जन देव गुरु, जपियो जिन अर्जन देव गुरु, जब लो नहीं पाग लिलारे उदय, तब लो ब्रह्म ते फिर ते बहुता, जब लो नहीं पाग लिलारे उदय, तब लो ब्रह्म ते फिर ते बहुता, जब लो नहीं पाग लिलारे उदय, तब लो ब्रह्म ते फिर ते बहुता, कल कोर समुंदर में बोटत थे, कब हूँ मिट है नहीं रे पछताय, जपियो जिन अर्जन देव गुरु, जपियो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ ना आयो, फिर संकट जोन गर्भ ना आयो, कल कोर समुंदर में बूढ़त थे, कब हूँ मिट है नहीं रे पछतायो, कल कोर समुंदर में बूढ़त थे, कब हूँ मिट है नहीं रे पछतायो, तत विचार यह मथुरा जग तारन का अवतार बनायो, जपियो जिन अर्जन देव गुरु, जपियो जिन अर्जन देव गुरु, जपियो जिन अर्जन देव गुरु, जपियो जिन
अर्जन देव गुरु फिर संकट जो न गर्भ ना आयो फिर संकट जो न गर्भ ना आयो तत विचार यह मथुरा जग तारन का अवतार बनायो तत विचार यह मथुरा जग तारन का अवतार बनायो जपियो जिन अर्जन देव गुरु जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जो न गर्भ ना आयो फिर संकट जो न गर्भ ना जपियो जिन अर्जन देव गुरु जपियो जिन अर्जन देव गुरु जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जो न गर्भ ना आयो फिर संकट जो न गर्भ ना आयो फिर संकट जो न गर्भ ना आयो सोठ महला पंजवा गुर का शब्द रखवारे चौके चौगिर्द हमारे गुर का शब्द रखवारे चौके चौगिर्द हमारे राम नाम मन लागा जमल जाए कर भागा राम नाम मन लागा जमल जाए कर भागा रब जी तू मेरो सुख दाता 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 बंधन काट करे मन निर्मल पूर्ण पुरख विधाता बंधन काट करे मन निर्मल पूर्ण पुरख विधाता रहाओ रहाओ नानक प्रभ अविनाशी ताकि सेव न वृद्धि जासी नानक प्रभ अविनाशी ताकि सेव न वृद्धि जासी आनंद करहे तेरे दासा जप पूर्ण होई आसा आनंद करहे तेरे दासा जप पूर्ण होई आसा तनासरी महला पंजवा औखी घड़ी न देखण देई अपना बिरद संभाले 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 हाथ दे राखै अपने को सास सास तत पाले हाथ दे राखै अपने को सास सास व्रत पाले रब सो लाग रहे हो मेरा चीत लाग रहे हो मेरा चीत आदि अंत तब सदा सहाई तन हमारा मीत रहाओ मन बिलास पै साहिब के अचरज देख बड़ाई
हर सिमर सिमर आनंद कर नानक रब पूरन पैज रखाई। हाथ जोड़ के सारे सिर नवाओ, सारे कहो धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब। सच्चे पातशाह जी का, वाहिगुरु अकाल पुरख जी का, धन धन श्री गुरु नानक देव साहब महाराज दस पातशाहियां, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का बेअंत वरा शुक्र है, धन्यवाद है। गुरु जी ने सानू अपने चरणों में बैण का मौका बख्शिया जी, साड़ी ताड़ी ना कोई सियाणप जे, ना साडे कोल कोई शक्ति जे, ना साडे कोल कोई बाली है, ये तो महाराज की कृपा है कि इन्नी रात तक गुरु जी आप ही अपने चरणों में आपां नूं बिठा लैंदे ने, ते आप ही कृपा करके अपनी बाणी की बख्शिश करते हैं। सानू कलजुगी जीवन नूं बाणी पढ़नी कित्थों आउंदी है जी, कि असीं कीर्तन कर लेना जी, ये सतगुरु की मेहर कृपा बख्शिश। इसलिए फिर महाराज का शुकराना करो, आखो गज के धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब। महाराज श्री गुरु अर्जन देव साहब जी ने कृपा की, मेहर की, इन्हां संगतां नूं सदा वास्ते आनंद मानण वास्ते गुरु साहब ने जुगो जुग धर्म नूं कायम रखण वास्ते कृपा कर दिती। बाणी दे खजाने महाराज ने सच्चे पातशाह धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे स्वरूप, ये कीर्तन दीआं दातां महाराज गुरु अर्जन साहब जी की बख्शिश है जो सिख जगत नूं महाराज ने दिती, ते मेरे अर्गे भुलड़ जे लोग जिहड़े आ ओह भी ये सेवा करन दे, महाराज ने सच्चे पातशाह जी ने कृपा की, समय बख्शे, मेहर की। तुहानूं संगत नूं जी आया नूं, जी आया नूं गुरु साहिब बहुत बहुत बल बख्शिश करन, ते गुरु चरणा विच हाजरी लवाओ, महाराज के चरणा विच बैठो, कथा कीर्तन सुनो, सतगुर दीआं बख्शिशां प्राप्त करो, यही जिंदगी दा लाभ है जी। असीं भुलणहार लोक हाँ, साडी मत थोड़ी आ, साडे विचार भी जिहड़े कोई एडे वधिया नहीं हैगे, गलतियां दे भरे पए जी, भरे ही पए आ, ते इह इक सतसंग है जिथे बैठ के वाहिगुरु के गुण गा गा के साडे मन नूं जिहड़ी लगी मैल उह लै सकदी है जी। मारे कहिंदे गाओ गुण परमेश्वर दे, गुण गावत तेरी पुत्र समैल, बिन सजाए होमे बिख फैल। मारे कहिंदे भाई ये जिहड़ी होमे फैली पई है खत्म हो जाएगी, मैल लै जाएगी, जिन्हें रब दे गुण गावांगे, वाहिगुरु दे गुण गावांगे, भला ही है जी आया नूं। सतगुरु कृपा करन, गुरु महाराज दे गुरपुरब मना के, गुरु महाराज का उपदेश जिहड़ा इहनूं पढ़ के गा के सुन के जीवन सफला करना है। ये संसार है ताइयों महाराज सच्चे पातशाह एक बचन सुनियो ध्यान दे नाल, महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे ने मन मेरे गहो हर नाम का ओला, बड़े सावधान हो के सुने, ओला दा अर्थ हुंदा आसरा। हाँ जी, जिस तरह वड्डे सारे बहुत नेर वगदा होवे जी, ते वड्डे सारे पहाड़ दे लागे तुसी खलो जाओ जी, हाँ जी, तो हनेर तुहानू सज्जे खब्बे, पुराने जमाने तुसी सुनिया होना कि नेरी आई फलाने नू उड़ा के लै गई जी, चुक के लै गई, उत्थे जा सुटिया जी, उह कर दिता जी, हाँ जी, कि तरह छत्तां उड उड के जांदियां जदों नेर वगदे आ जी, पर किसी मजबूत जगह दे लागे आदमी खलो जावे तो उहनू खतरा नहीं कोई रहिंदा जी। हाँ जी, महाराज सच्चे पातशाह कहते भी भाई सिखा रब दे नाम दा आसरा तक ला, महाराज कहते पक्का आसरा ले ला, मन मेरे गहो हर नाम का ओला। अगे की कहते, कहते तुझे ना लागे ताता झोला, ये संसार है इत्थे तत्ते झोले ते वगणे वगणे है। हाँ जी, तत्ते बोल, कौड़े बोल, निंदिया चुगली वाले बोल, ईरखा द्वैत वाले बोल, दुखा वाले बोल, इस संसार विच चलने ही चलने जी, भावें कोई भोरा पुट के बह जे बाहर ना ना निकले जी, कि मैं किसे दे मथे नहीं लगना जी, लोग उन्होंने भी गल्लां करी जानियां जी, संसार है जी, संसार है, जगत है। जदों महाराज गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह भाई लालो जी दे घर रहे, ते महाराज ने सवेरे सवक्त ही उठ के बाहर जंगल विच चले जाना, सारा दिन उत्थे रहना, ते शाम नूं भाई साहब दे घर आना जी,
ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਮੇਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲੀਏ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਲਵੰਡੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਰੀਕ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁਣ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੱਡੇ ਗਾਟੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਹੱਸੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਚੱਡੇ ਗਾਟੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਥੱਲਿਓਂ ਪਾ ਕੇ ਹੱਥ ਦੇ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਸਿਰ ਠਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਵਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੱਡੇ ਗਾਟੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਆਖੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਸੁਣਿਓ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਇਸ ਕਲੀਓਂ ਪੰਜ ਭੀਤੀਓ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਾਂ ਪੱਤ ਜੇ ਬੋਲਾਂ ਤਾਂ ਆਖੀਏ ਬੜਬੜ ਕਰੇ ਬਹੁਤ ਚੁੱਪ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਆਖੀਏ ਬੈਠਾ ਸੱਥਰ ਘੱਤ ਇਹਦੇ ਜੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਐਂ ਬੈਠਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਅਗਲਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਖੀਏ ਛਾਰ ਗਿਆ ਸਿਰ ਘੱਤ ਹਾਂਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਈ ਗੱਲੀ ਨਾ ਮੇਵ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੱਢਣਾ ਚੱਤ ਮਰਦਾਨਿਆ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟਿਕਾਣੇ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਿਕਾਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਕੱਢਾਂ ਚੱਤ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਨਾਨਕਾ ਕਰਤਾ ਰੱਖੇ ਪੱਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਬੀ ਉਰ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਜੀ ਦੀ ਪੱਤ ਰੱਖ ਲਵੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਉਪੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਤਲਵੰਡੀ ਹੋਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਪਾਂਗੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫਿਰ ਦੱਸੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਦੋਹਰੀ ਵਰਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਏ ਜੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸ ਰਹੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰਦਾਨਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਵਾਂਗੇ ਅਜੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ 5 ਦਿਨ ਹੋਏ 5 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਤੇਰਾ ਸਾਡਾ ਧਾਰ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 5 ਦਿਨ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਉਹਦਾ ਸਿਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤਲਵੰਡੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲੀਲਾਂ ਅਪਰਪਾਰ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਉੱਦਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਉੱਠੋ ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਾ ਜੀ ਵਾਹ ਇੱਥੇ ਕਰਤੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੂਰਖ ਜੇ ਨੂੰ ਬੇਸਮਝ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਣੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਰੱਖਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਰਹੇ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦਿਓ ਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਗਾਈ ਦੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਰੱਖੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗੋ। ਕਿਉਂ? ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਰੱਖਣ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।